फुलझड़ी और मैं श्रुति। आज के दौर में सोशल मीडिया का यूज शायद ही कोई नहीं करता होगा, और अब देखा जाए तो सोशल मीडिया यूजर्स का डेटा चोरी हो जाना आम बात है। व्हाट्सएप, मेटा अर्थात फेसबुक, तो कभी दूसरे सोशल अकाउंट का डेटा लीक होने की खबरें आती ही रहती है। इसी दौरान लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए गए पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर संसद की संयुक्त समिति की एक रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि सोशल मीडिया कंपनियां जो बिचौलियों के रूप में काम नहीं करती हैं, उन्हें कंटेंट पब्लिशर्स के रूप में माना जाना चाहिए और उनके द्वारा होस्ट की जाने वाली सामग्री के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। आपको बताते चलें कि संसदीय समिति ने डेटा लीक को रोकने के लिए कानून में कई तरह के प्रावधानों की सिफारिश की है। इसके तहत कहा गया है कि अगर नियमों का उल्लंघन किया गया, यानी अगर डेटा लीक हुआ, तो कंपनियों पर 15 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या फिर कंपनी से जुर्माने के तौर पर टर्नओवर की 4% रकम ली जाएगी। जी हाँ, कंपनियों को छोटे उल्लंघनों के लिए 5 करोड़ रुपए या फिर ग्लोबल टर्नओवर की 2% हिस्सेदारी देनी होगी। आपको जानकारी के लिए बताते चलें कि इन प्रावधानों को सरकार कानून में शामिल कर लेती है तो फिर मेटा, इंस्टाग्राम, गूगल, अमेज़न समेत कई कंपनियों को भारत में डेटा को लेकर बेहद सतर्क रहना होगा। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में 2019 के ही सारे प्रावधान हैं। साथ ही इसे यूरोपियन यूनियन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के तहत तैयार किया गया है। इस बिल को 2 साल पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 11 दिसंबर सन 2019 को लोकसभा में पेश किया था। आपको ये भी बताते चलें कि डेटा लीक को लेकर कंपनी को उल्लंघन के बारे में 72 घंटों के अंदर बताना होगा। जी हाँ, डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी अर्थात DPA तब उन व्यक्तियों के लिए पर्सनल डेटा उल्लंघन और नुकसान की गंभीरता को ध्यान में रखेगा जिनका डेटा लीक हो गया है। यदि कोई कंपनी व्यक्तिगत डेटा या बच्चों के डेटा को संसाधित करने के प्रावधानों का उल्लंघन करती है या निर्धारित नियमों के विरुद्ध भारत के बाहर डेटा स्थानांतरित करती है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। इस पूरी जानकारी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।